Yes very good evening to all my CS friends hope you are doing well in this particular video i'm going to give you a big updates on the new syllabus absolutely i'm going to share with all of you my extreme request to all of you kindly share this particular video right to everyone and absolutely you have to subscribe this channel right if and press the bell icon and apart from that do like this video मैं जितने भी स्टूडेंट्स है अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात मैंने जैसा आपको बताया था इसी तरह से होता रहा है अब तक मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ और बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें ठीक है देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी मैंडेटरी कन्वर्जन के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन ऐसी आई सही का नहीं है और वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक नहीं आएगी तब तक कोई नहीं बता सकता लेकिन ये मेरे को अब पता लगा है आज मेरे को पता लगा है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में अभी रीशफल हुआ है राइट रीशफलिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जो रीशफलिंग हुई है वो आपके जो किरण रिजू थे किरण रिजू थे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में उनके जगह अर्जुन राम मेघवाल सर अर्जुन राम मेघवाल जी अपॉइंट हुए न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर राइट और रीशफल होकर के जो किरण रिजू थे उनको रीशफल करके शिफ्ट कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ राइट उस वाले डिपार्टमेंट को वो कंसिडर करेंगे तो ऐसे केस में जो हमारे ट्वेंटी ऑफ मे पे नोटिफिकेशन आना था वो उसकी वजह से पोस्टोड हुआ था कि क्योंकि मैंडेटरी कन्वर्जन आईसीआई क्या सोच रही है ध्यान से मेरे वर्ड को आईसीआई चाह रही है कि मैंडेटरी कन्वर्जन करा दिया जाए आपका देर इज नो पैरलर अटैम्प्ट इसके ऊपर एक छोटा सा अप्रूवल लेना है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में और जो कि नहीं मिल पाया आईसीआई को रीजन उसमें रीशफलिंग हुई थी आपके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में रीशफलिंग होने की वजह से आई से ने अपने इस नोटिफिकेशन को ट्वेंटी ऑफ मे पे नहीं निकाला और उसकी वजह से आई, से आई से ने इसको पोस्टपोन कर दिया अब आई की जो काउंसिल मीटिंग होनी है इसमें आपकी 15 से 20 जून के आसपास तो मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन ट्वेंटी जून के आसपास आ रहा है तो ट्वेंटी जून के आसपास भी आपको देखोगे तो बीस जून के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने वाला है और इसमें एप्सल्यू ये अप्रूवल भी मिल जाएगा होपिंग सो राइट स्मॉल अप्रूवल है आ, ये भी अप्रूवल मिल जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है कि अंदर खाने सब चीज़ें हो भी चुकी हैं राइट बस जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ करना बाकी है आई सी को तो होपिंग सो ये नोटिफिकेशन अब आपको ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेगा ठीक है जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा और बस ये चीज़ मैं आपसे क्लैरफिकेशन के लिए अभी तक मैं रुका हुआ था कि मेरे को काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पैरल अटेम्प्ट के ऊपर या कोई ट्रांजिशन पीरियड का सिस्टम है क्या आई सी आई के यहाँ क्योंकि जैसे आई सी आई न्यूज़ लेबस हमेशा लेके आता रहा है उसके रेस्पेक्ट में है क्या तो मैंने आपको पहली हर बार मैंने सबको बोला मैंने कहा देर इज़ नो क्लैरिफिकेशन देर इज़ नो क्लैरिफिकेशन अब तक क्योंकि उस क्लैरिफिकेशन के ऊपर मेरे को ये याद नहीं था कि yes, यस इसके ऊपर भी कुछ uh, मतलब अप्रूवल uh, uh, अटका पड़ा है राइट बाकी सारे अप्रूवल ऑलरेडी आई के पास है तो वेट नहीं करने का अपने को अब आई जल्दी आपको नोटिफिकेशन रिलीज करेगा आप बस वेट करिए फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज मोर राइट तो होपिंग सो सबके लिए अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा डेफिनेटली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और लाइक करो सब्सक्राइब करो प्रेस करो बेल आइकन और इसी तरह से प्यार देते रहो ट्वेंटी थाउजेंड सब्सक्राइबर आपने ही अचीव कराने हैं मेरे को ठीक है चलिए थैंक थैंक्स अ लॉट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू